हरिद्वार में हर की पैड़ी समेत कई घाटों पर फूल और प्रसाद बेचने के लिए खुलेआम पॉलिथीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। दरअसल इस बार खुद नगर निगम ने घाटों पर फूल और प्रसाद की बिक्री के लिए ठेका दिया है, जिसमें गंगा घाटों पर कई स्टॉल लगाए गए हैं। इन सभी स्टॉलों पर फूल प्रसाद पॉलिथीन में पैक करके बेचा जा रहा है। वहीं स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि जिला प्रशासन को दोहरा रवैया नहीं अपनाना चाहिए। जिस तरह से छोटे दुकानदारों के लिए चालान किए जा रहे हैं, उसी तरह नगर निगम के स्टॉल पर भी जाकर कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि इस मामले में डीएम का कहना है कि अगर ऐसा है तो निश्चित ही कार्रवाई की जाएगी। हम जैसे दुकानदारों का क्या, हमेशा ये चालान भरते रहेंगे क्या? और हर खिड़की पीढ़ी पे जाके देखो कितनी प्लास्टिक की कैने हैं, पन्नियां हैं, और फूल जो दिए जाते हैं पन्नियों में दिए जाते हैं, और वहाँ पे कैन दी जाती है, वो सब प्लास्टिक की है। इसका सारा के सारा ठेका जो है वो नगर निगम द्वारा होता होगा, हमें नहीं पता, लेकिन नगर निगम द्वारा होता है, हमने सुना है। तो फिलहाल जो डीएम साहब को नगर निगम के खिलाफ और जो वहाँ पे बैठे हुए अधिकारी उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, और पन्नियां और कैन वगैरह जो भी प्लास्टिक के आइटम है वो सारी बंद करवानी चाहिए। इसमें अगर फ्यूचर में मैं पाता हूँ कि नगर निगम ने जो अलॉट किए हुए हैं वहाँ पे दुकानें वो पॉलिथीन रखते हैं, तो फिर हम उनके आवंटनों को भी निरस्त करने पे विचार कर सकते हैं।